चलिए बच्चे ध्यान दीजिए। कक्षा 9 के 2.2 का सवाल नंबर दिया है, सत्य प्रति कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ध्यान दीजिए, जो ये दिया हुआ है इतने बराबर इतने मान रखने के बाद क्या ये शून्यक है, तो हम मान रख करके इसे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ जहाँ यक्ष रहेगा वहाँ वहाँ -1/3 क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो इसको रख रहे हैं हम P, और ये क्या है आपका -1/3 बराबर ये 3 गुणते, देखिए एक्स का स्थान पर रख रहे हैं -1/3 और +1, ठीक है। तो इसको लिख रहे हैं पी कोष्ठक में -1/3 और बराबर, जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका -3/3 और +1, ये कट जाएगा कितने दिन में, तो पी और -1/3 बराबर 1 और +1, और ये माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो -1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका क्या कर रहा है, बहुपद शून्य है। क्या है ये बहुपद आपका शून्य है, ठीक है। बहुपद संगत बहुपद क्या है, शून्य है, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर में दिया हुआ है, इसमें 2 नंबर को भी हम उतार रहे हैं। दिया है कि P x बराबर 5x और -5, और ये दिया है x बराबर 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमको रखना है मान को, तो देखिए जहाँ x रहेगा वहाँ हम क्या रखेंगे, वहाँ पर रखेंगे 1/5, ठीक है। अब रख लिए बराबर में 5 × 1/5 और -π है आपका, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, 1 - π। ये क्या है, ये बहुपद के शून्य क्या है, ये नहीं है, क्या है, नहीं है ये, हाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, दिया है कि P x = x²-1 और x = 1 और -1, ये 2 दे दिया है, ठीक है। इसी में भी रखिए मान, तो ये P x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1, और x² के स्थान पर भी क्या रखेंगे, 1 और -1, तो ये P 1 = 1 के रह जाएगा और -1 = क्या हो जाएगा, 0। ये तो क्या है आपका, हाँ, दूसरा ये रख करके हम देख रहे हैं, ये पी कोष्ठक में यक्स और बराबर में क्या है, x²-1, तो ये पी और 1 हो जाएगा और बराबर में x के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 और -1, तो ये पी 1 हो जाएगा, 1 और -1 = क्या हो गया, 0। ये भी क्या है आपका, हाँ, बहुपद है। अब देखिए इसमें हम चल रहे हैं 4 नंबर में आपका सवाल दिया हुआ है P x और बराबर में दिया है x-1 और x-2 दिया है। हल करने के लिए यहाँ दिया है x बराबर कितना -1 और -2, देखिए इसमें भी 2 दे दिया है, दोनों को मान को हम रखेंगे, रख रहे हैं यहाँ पर P पहले वाले को, इसको तो -1 हो गया, और इसको जब हम रख रहे हैं तो ये आपका -1 और -1 हो गया, -1 और -1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम रख लें -1 और -2 रख लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका P -1 है, बराबर में -3 है, और यहाँ पर गुणे का चिन्ह देंगे, -1 क्या है, 3 है, -1 में जब गुणा होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्या, तो ये 0 क्या है, नहीं है। इसको रख करके 2 को देख रहे हैं, P x और यहाँ पर बराबर का चिन्ह x-1 और x-2, इसको मान को रख रहे हैं 2 को, तो यहाँ पर P 2 हो गया, और बराबर में 2 रख लीजिए और -1 रख लीजिए, यहाँ पर 2 रख लीजिए और -2 रख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, P 2 = घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1, और गुणती क्या हो जाएगा, 0, जिसमें से घटेगा तो P 2 = क्या हो जाएगा आपका,
जीरो, ये आपका है, एक नहीं है और एक है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे हम आगे, देख रहे हैं अगला सवाल में। अब पाँच नंबर में क्या दिया है, पाँच नंबर में दिया है कि पी यक्स बराबर यक्स स्क्वायर बराबर में जीरो। तो ये बच्चा इसको लिखेंगे पी, इसके स्थान पर जीरो और यक्स स्क्वायर, ये यक्स बराबर में क्या दिया है आपका, जीरो दिया है, ठीक है। तो यक्स के स्थान पर हमको क्या रखना है, जीरो का वर्ग। तो जीरो का वर्ग तो ये पी जीरो बराबर जीरो, ये क्या है आपका, हाँ बहुपद है। अब इसके बाद हम छः नंबर में देख रहे हैं क्या कह रहा है, लिखा है कि पी एक्स बराबर एल एक्स और प्लस यम दिया हुआ है। इसके बाद यक्स बराबर यम बटा में एल, इसको रखिए जहाँ जहाँ है मान, इसको पी कोष्टक में यम बटा में एल और इसमें रखिए यल दिया है यक्स के स्थान पर, यम बटा में यल और प्लस यम है, ये है। तो इसे ये क्या हो जाएगा, यल से यल कट जाएगा, तो ये पी यम और बटा में यल, ठीक है, और बराबर में यम और प्लस यम, ये प्लस का ही चिन्ह है, तो प्लस वाले में क्या हो जाएगा, ये टू यम हो जाएगा। ये क्या है, ये नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दिया हुआ है अगला क्वेश्चन में क्या है, ये कही है सात नंबर है आपका, ठीक। तो दिया हुआ है बच्चा पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स बराबर दिया है क्या चीज़, माइनस एक बटा अंडर रूट तीन और दो बटा अंडर रूट तीन। देखिए दोनों मान को रख रहे हैं आप, और पी के स्थान पर क्या रखेंगे, पहले इसको रखेंगे ये माइनस एक बटा तीन बराबर तीन, तीन आपका क्या हो जाएगा, तीन गुणते माइनस एक बटा अंडर रूट तीन का ये क्या हो जाएगा, वर्ग और माइनस वन। तो ये पी और कोष्टक में माइनस एक बटा अंडर रूट तीन और बराबर में ये तीन हो जाएगा, गुणते माइनस एक बटा में क्या हो जाएगा, तीन और माइनस एक, जब वर्ग होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस एक कट गया, तो ये पी और माइनस एक बटा अंडर रूट तीन को हम क्या लिख सकते हैं, ये वन और माइनस वन बराबर क्या हो गया, जीरो। तो ये हाँ बहुपद है। अब इसको हम मान को रख रहे हैं इसी में, देखिए ये दो बटा अंडर रूट तीन ये कितना हो जाएगा, पी में रख ले रहे हैं, इसके बराबर में थ्री गुणते दो बटा में अंडर रूट तीन का क्या हो जाएगा आपका, ये वर्ग हो जाएगा और माइनस क्या चीज़, वन हो जाएगा। तो ये पी और दो अंडर रूट तीन बराबर तीन गुणते दो दुना के चार और ये तीन और माइनस एक, इससे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये चार माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा, तीन। तो ये क्या है आपका, नहीं है, क्या है, ये नहीं है। एक सवाल आपका बच गया, एक सवाल को भी हम दे रहे हैं। देखिए दिया हुआ है आपका भी डबल आई, मतलब आठ हो गया, कितने हो गए, आठ हो गए। तो पी एक्स बराबर टू एक्स और प्लस वन बराबर एक्स बराबर एक बटा दो, इसी क्या करना है, हमें मान रखना है, इसी को देख लें। तो ये पी कोष्टक में एक बटा दो बराबर दो गुणते एक बटा दो और प्लस वन, ठीक है। तो अब देखिए पी और एक बटा ये दो हो गया, ये दो से दो का हो गया कैंसिल, तो ये कितना बच गया, एक प्लस एक बराबर क्या आ गया, दो। ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, दो से दो कट गया, ये बच गया। तो समझ में हमारी वीडियो ये आ गई होगी। अब हम अगले को भी रख लें, क्वेश्चन नंबर चार में आपको दिया है, इसी तरह मैं समझा दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक है, ध्यान से पढ़ लीजिए यहाँ पर। कह रहा है निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, देखिए ध्यान से, ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पी आपका दिया है पहला क्वेश्चन कि पी एक्स
पी एक्स बराबर एक्स प्लस क्या चीज़ 5, तो क्या हम रखेंगे इसमें शून्य हो जाएगा, तो हम यहाँ रखेंगे एक्स बराबर 5 दिया है तो इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5, कितना हो जाएगा माइनस 5 रखने पर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये दो नंबर में दिया हुआ है कि पी कोष्टक में एक्स और एक्स बराबर एक्स और माइनस 5, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 रखने पर क्या करने पर रखने पर बहुपद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। बस समझ में आया, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, पी एक्स बराबर 2x और प्लस ये 5 दिया है, देखिए तो एक्स और बराबर 2x बराबर हम 5 लिख सकते हैं, तो x बराबर प्लस है तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 5 ये इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, इतना रखने पर बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि कितना पी एक्स बराबर 3x और माइनस 2, इसको भी पक्षांतर कर दीजिए, 3x बराबर 2 हो जाएगा तो x बराबर 2 ये बटा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना रखने पर बहुपद आपका प्लस रखने पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दिया हुआ है 5 नंबर में पी कोष्ठक में x बराबर 3x बराबर 3x, तो इसको देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना 1 है तो x बराबर हम क्या करेंगे 1 बटा में 3 रख लेंगे, इतना रखने के बाद क्या हो जाएगा आपका बहुपद हो जाएगा। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में अब दिया है कि p कोष्ठक में x बराबर ax जीरो, तो अब इतना ये देखिए इसको ये कहाँ चला जाएगा नॉट इक्वल टू का रहा है जीरो तो इधर बटा में जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटा में a भी क्या है आपका नहीं है, क्या है नहीं, इतना इतना हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया है v डबल i में पी एक्स सी एक्स टी नॉट इक्वल टू सी और डी में वास्तविक संख्या है, ध्यान दीजिए इसे हम भेज लेंगे सी एक्स बराबर माइनस डी एक्स बराबर माइनस डी बटा में क्या हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो पी बाई क्यू के रूप में रहेगा, जो भी रहेगा आपका क्वेश्चन क्या हो गया इस साल हो गया। ऑल द बेस्ट, राइट।